फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यू मी एंड ट्रैवल। तो आज हमारा है ले सिटी में आखिरी दिन और हम लोगों ने खूब एक्सप्लोर कर लिया ले मेन मार्केट को और ले सिटी को जितना मतलब एक दिन में एक्सप्लोर कर सकते थे। तो आज हमारा एक्चुअली में बोलेंगे तो ले में आज हमारा तीसरा दिन है और हम लोग आज यहाँ से निकल रहे हैं तुरतुक विलेज के लिए। खरदुंगला, दिशकित और हुंडर होते हुए हम जाएंगे तुरतुक विलेज। अभी पता नहीं रोड कंडीशन कैसी है, क्या है, वो हम आपको आगे ही बताएंगे। तुरतुक विलेज का भी कुछ ऐसा स्टोरी है जो मैं वहाँ जाके बताऊंगी आप लोगों को। मिलते हैं तुरतुक विलेज में। नहीं, तुरतुक विलेज में नहीं, ऑन द वे, ऑन द वे तुरतुक विलेज, करेक्ट। तो हम मॉर्निंग 6 बजे निकल चुके थे ले मेन मार्केट से तुरतुक विलेज जाने के लिए और हम अभी है लद्दाख में और लद्दाख में हम कवर करने वाले हैं बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस। तो अगर अभी तक आपने हमारी लद्दाख सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज देखिए। तो संदीप यहाँ करवा रहा पेट्रोल फुल क्योंकि अभी हम लोगों को खरदुंगला जाना है, खरदुंगला के आगे होते हुए टुकटुक विलेज पेट्रोल का बैकअप होना चाहिए। तो इसलिए अभी हम लोग ऑलरेडी हमारा पेट्रोल का टैंकी फुल था बट स्टिल हम लोगों ने बोला जितना भी आता है डाल दो क्योंकि रास्ते में ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेट्रोल पंप ढूंढ रहे और ना मिले। तो जैसे ही आप ले सिटी से बाहर निकलते हैं और खरदुंगला के रास्ते में एंटर करते हैं तो माउंटेन्स और थोड़े थोड़े चेंज होने लगते हैं और भी खूबसूरत और सुंदर होने लगते हैं और उसी बीच पड़ता है लेह सिटी एंड ग्लेशियर पॉइंट। तो उस जगह पर आप रुक सकते हैं, रुक करके आराम से फोटो सेशन करा सकते हैं क्योंकि उस जगह से जो लेह सिटी दिखती है वो बहुत ही प्यारी दिखती है। तो लेह से निकलने के बाद जैसे आप खरदुंगला रोड लेते हैं उसके बाद जो रोड का कंडीशन है बहुत ही खराब है, बिल्कुल ऐसे जैसे लेह मनाली हाईवे में चल रही गाड़ी यहाँ पर भी वैसी चल रही है। धूल बहुत ज्यादा उड़ रहा है, आप शीशा खोल के बहुत देर चला नहीं सकते हो, बहुत ज्यादा डस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट ले से जो तुरतुक विलेज का डिस्टेंस है वो 205 किलोमीटर है जिसको अकॉर्डिंग टू गूगल कवर करने में 5.5 घंटा लगने वाला है बट रोड का कंडीशन देख के हम लोगों को लगता है कि हम लोग को 6.5-7 घंटा लग जाएगा आज भी। काफी खराब है, यहाँ भी रोड चौड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जो भी अब ट्रैवल कर रहा है उन लोगों को प्रिपेयर हो जाना चाहिए लैंडस्लाइड के लिए। ले से जो खरदुंगला का डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 37 किलोमीटर है जिसे कंप्लीट करने में आपको 1 आवर 11 मिनट्स लगने वाले हैं। ये जो टाइम है ये गूगल के अकॉर्डिंग है बट जो अभी करंट रोड कंडीशन है उस हिसाब से शायद आपको 1 आवर 30 मिनट्स या उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। और इस बीच में जो आपको व्यूज दिखने वाले हैं वो काफी खूबसूरत होंगे और इसी बीच में आपको मिलेगा चेक पोस्ट और चेक पोस्ट पे आपको देनी होगी बेसिक डिटेल्स जो आपको अभी संदीप आगे वीडियो में बताएगा। तो अभी साउथ पुलू में रुक जाइएगा। तो एक्चुअली अच्छी खासी ठंड है यहाँ पर साउथ पुलू में, अभी तो हम लोग खरदुंगला पहुंचे भी नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली आपका गाड़ी का नंबर, कौन सी गाड़ी है, फोन नंबर और कितने लोग जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, ये एंट्री होती है, उसके बाद आपको जाने दिया जाता है। बट बहुत ज़्यादा ठंड है और मैं दौड़ के आया तो मैं हाँप गया यहाँ पर। अभी ये साउथ पुल के पास है, मैं सोच रहा हूँ खरदुंगला और नॉर्थ पुल तरफ क्या हाल होगा पता नहीं, बट ये है कि बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही हैं। खरदुंगला टॉप में मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्राउड मिलने की उम्मीद है, लेट्स सी कैसा होता है। खरदुंगला के पास होते जा रहे हैं हम, वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है, कैप वैप मेरा और सनी दोनों का लग चुका है, खतरनाक वाली ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड लगने लग गई है। अब पहले क्या था, लग रहा था कि शीशे से बाहर निकाल के शूट कर रही थी, अब ऐसा है कि गाड़ी के अंदर से शूट करने का मन कर रहा है। और अगर आप खरदुंगला जा रहे हैं तो पहले से ही प्रिपेयर हो जाए, विंटर क्लोथ्स पहन कर जाइएगा क्योंकि तो रास्ते में गाड़ी रोक कर आपको फिर से वुलन क्लोथ्स पहनने पड़ेंगे। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे ठंड बढ़ती जाएगी और जब आप खरदुंगला टॉप पहुंच जाते हैं वहां से जो व्यू रहता है वो इतना अमेजिंग होता है कि जितना भी आप स्ट्रगल करके उतने हाइट पर जाते हो वो सारे गुम हो जाते हैं। और जो लैंडस्केप है वो तो खूबसूरत रहता है, वहाँ से विंटर में भी उतना ही खूबसूरत दिखता है और अगर आप समर के भी टाइम में जाते हैं तो भी जो खरदुंगला टॉप का व्यू है वो अमेजिंग होता है। तो थोड़ा रोड में स्ट्रगल करते करते हम पहुँच चुके हैं खूबसूरत सा खरदुंगला टॉप जिसकी एल्टीट्यूड है 18,380 फीट। और जो खरदुंगला टॉप है वो वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास में भी आता है। तो फाइनली हम पहुंच गए खरदुंगला टॉप और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, अब मेरा ठंड से कांपना शुरू हो गया है और ये भी फर्स्ट टाइम हुआ कि जब से मैं लद्दाख पहुंची हूँ मैं अभी थोड़ा सा
हिलडुल रही हूँ कांपते हुए, और रेस्टरूम यूज़ करने गई थी, मेंस वॉशरूम लेडीज़ लोग यूज़ कर रही है, क्योंकि जो लेडीज़ का वॉशरूम है वो इतना गंदा था कि आप जा ही नहीं सकते हो। बाहर डस्टबिन दिया है पर डस्टबिन का कोई यूटिलाइज़ नहीं है, बट सभी को बोल रही हूँ जितनी भी लेडीज़ आती है, प्लीज़ मेंटेन करो इन सब चीज़ों को प्लीज़। अभी फ़िलहाल अर्ली मॉर्निंग है, तो अर्ली मॉर्निंग में उतने ज़्यादा कुछ शॉप्स वगैरह यहाँ पर ओपन नहीं हुए हैं खरदुमला में कुछ खाने पीने का, तो हम लोग अभी खरदुमला से नीचे की तरफ जाएंगे जो कि नॉर्थ कुल्लू है, वहाँ पर जाकर के अगर कुछ खाने पीने की चीज़ होंगी तो वहाँ पर कुछ खाएंगे। बट हाँ, यहाँ पर अगर आप खरदुमला में तो बहुत ज़्यादा दौड़े भागे नहीं, थोड़ा आराम से 5-10 मिनट रुके और उसके बाद यहाँ से चल जाए। यहाँ से पंजाब के भाई भी आए हुए हैं, तो देख सकते हैं पंजाब से भी भाई लोग आए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, सियाचिन, टोटुक, ले, हुंडर, कारगिल, खालसर होगा या पता नहीं क्या, व्यू पॉइंट जैसा मिला है। यहाँ पर देखिए कितना स्नो है, फोटो शोटो हो जाए फिर उसके बाद यहाँ से निकला जाएगा। इस तरह का व्यू पॉइंट जैसा बना दिया है यहाँ पर, अच्छा है। अब टाइम हो गया यहाँ से निकलने का, तो अब यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं आपसे आगे की जर्नी में, टुटुक वाली में। ये देख लो संदीप का नाटक शुरू हो गया, वो गिरने वाला सारा है, ठीक है। तलवार तोड़ो। आप वहाँ पर 15-20 मिनट या ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा आप टाइम स्पेंड करें और वहाँ से चले जाएं, क्योंकि खरदुंगला टॉप बहुत हाइक पर है, तो वहाँ पर माइट भी किसी किसी को ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम सजेस्ट करेंगे कि थोड़ा टाइम वहाँ स्पेंड करके आप चले जाएं और खरदुंगला के आगे की ट्रिप का मजा लें। तो ओवरऑल रोड देखा जाए तो लेट टू खरदुंगला तो बहुत ही खराब था। खरदुंगला से 3-4 किलोमीटर नीचे उतरने के बाद फिर जो रोड है वो कंटिन्यूस आपको थोड़ा अच्छा मिलेगा। जब नीचे भी खरदुंगला के बाद भी एक चेक पोस्ट आता है, उसके पास से जो रोड है वो काफी अच्छा है अभी तक फिलहाल। अब देखते हैं आगे कब तक वैसा रहता है अच्छा रोड जिसमें ड्राइव थोड़ा इजीली हो पाए। अभी हम लोग नॉर्थ कुल्लू से नीचे उतर चुके हैं और खरदुंगला क्रॉस करने के बाद, तो जैसे ही वो क्रॉस करते हैं, नॉर्थ कुल्लू क्रॉस करते हैं, उसके थोड़ा आगे चलने के बाद आपको एक छोटा सा पुल जैसा मिलता है, ब्रिज जैसा मिलता है, जहाँ पर एक वाटर स्ट्रीम है, बहुत अच्छा सा पानी बह रहा है वहाँ पर। और उसी जगह पर आप देखेंगे बहुत सारे अच्छे से फ्लैग लगे हैं, मैं भी आपको व्यू दिखाऊंगा उस जगह का, बहुत ही मस्त है। यहाँ पर भी आप बैठ करके थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं और थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो मज़ा आता है, क्योंकि जर्नी में जब तक आप रुकते नहीं है, थोड़ा सा एंजॉय नहीं करते, तब तक जर्नी का मज़ा नहीं आता। आपको मैं अभी दिखाता हूँ जो व्यू की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए कितना ही बेहतरीन लग रहा है ये, और इस जगह की मैं बात कर रहा था कि कितने सारे फ्लैग्स लगे हुए हैं यहाँ पर। तो इस तरह जगह में रुक रुक करके एंजॉय करते हुए जाना चाहिए। हम फिर से आ गए हैं सेम जगह, हम फिर जहाँ पर हम 2022 में आए थे, सेम जगह पर अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हुए हैं। हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है 2 आलू के पराठे, हम लोगों ने ऑर्डर कर दिए 2 चाय। जहाँ पर हम रुके हैं उस विलेज का नाम है खरदुंग विलेज, जहाँ पर अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और मैंने जैसे बात की थी, यहाँ से व्यू बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, मतलब और इस जगह में भी आपको होम स्टेज वगैरह आराम से मिल जाएंगे, तो आप इस तरफ भी प्लान कर सकते हो अगर आप आ रहे हैं। अगर आपको ले में नहीं स्टे करना है, थोड़ा आउटकट्स में स्टे करना है, तो आप खरदुंग विलेज में भी स्टे करते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस जगह पर भी जियो
और एयरटेल के नेटवर्क आ गए हैं और वो अच्छे काम कर रहे हैं यहाँ पर। मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ, और ये जो है ये होम स्टेज वगैरह हैं। व्यू देखिए आप, वाव। और हम जहाँ रुके हैं उस जगह का नाम है लामो रेस्टोरेंट, और गिन्नी हाय बोल रही है वहाँ से। खरदुंगला ऊंचाई में होने के कारण वहां पर एक्सीडेंट के जो केसेस है वो काफी ज्यादा होते हैं, तो जितने भी एक्सीडेंट्स वहां गलती से हुए हैं तो उन गाड़ियों को रोड के किनारे पे रख दिया जाता है, और वो एक मैसेज होता है लोगों के लिए अगर जो रैश ड्राइविंग करते हैं कि भूलकर भी ड्राइविंग में गलती ना करें और गाड़ी आराम से चलाएं थोड़ा केयरफुल होकर। तो अभी हम खलसर के पास पहुंच गए हैं और रोड कंडीशन खरदुंगला के बाद कुछ हद तक ठीक था, फिर खरदुंग विलेज के बाद तक भी ठीक था खरदुंग, मतलब बीच में खराब अच्छा वैसा ही भी चल रहा है। लद्दाख का जो रोड है हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब देखते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं आगे तुटुक विलेज के लिए और फिर वो एक्सप्लोर करते हैं कैसा रहता है। संदीप यहाँ गाड़ी रोक दी और घर पर वीडियो कॉल करके दिखा रहा है सीन की, ये देखो कितना अच्छा और कितना खूबसूरत जगह है, और लिटरली बहुत खूबसूरत जगह है ये। तो खलसर के पास पेंगोंग का नया रास्ता बना हुआ है, अगर आपको पेंगोंग लेक जाना है वहाँ से तो उस रास्ते को लेना पड़ेगा आपको। खरदुंगला से तुरतुक या हुंडर की तरफ जाते हैं तो आपको राइट लेना पड़ता है खलसर के पास, और वहाँ से एक ब्रिज रहता है, उस ब्रिज को पार करेंगे तब वो रोड आपको मिलता है जो नया रोड बना हुआ है। और अगर आप सीधे चले जाते हैं तो सीधे वो रोड आपको कनेक्ट करेगा दिशकित, हुंडर, तुरतुक, थांग और सियाचिन। तो ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं, अब यहाँ से जो आप सीधा चले जाओगे ये आपको नुब्रा और सियाचिन लेकर जाएगा, और अगर इधर आप निकल जाते हो टुवर्ड्स लेफ्ट तो हम लोग चले जाएंगे हुंडर, और यहीं पर आपको मिल जाएगा पेट्रोल पंप, और यहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हो रही है और बाइकर्स का पूरा ग्रुप यहाँ रुका हुआ है, और संदीप यहाँ है। हेलो, लद्दाख में कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है, आप जहाँ भी जाएंगे नए रोड बन रहे हैं जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा डस्ट है, तो आप कार की विंडोज़ वगैरह भी ओपन नहीं कर पाते हैं जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कार ड्राइव करने में। लद्दाख जैसे ठंडी जगह में भी आपको कभी कभी कार के अंदर एसी चलाना पड़ता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है। हमने जब मनाली से लेह की जर्नी करी थी तो उस समय भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी थी रोड से रिलेटेड, भी सेम कंडीशन हमारी है जब हम लेह से तुरतुक की तरफ जा रहे हैं, तो दिशकित तक का जो रोड कंडीशन है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बीच बीच में टूटे फूटे रोड आपको मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वाले रोड आपको मिलेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट रहेगी। ये जो रोड कंडीशन की बात की हमने कार के हिसाब से बात की थी, आप ज़रा सोचिए जो बाइकर्स होते हैं जो बाइक चलाते हैं उनकी कंडीशन और उनके हालात क्या होते होंगे इस डस्ट भरे और टूटे फूटे रोड में गाड़ी चला के, उनके जो कपड़ों के कलर रहते हैं वो भी कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं, इतना डस्ट होता है। चुके हैं लेह लद्दाख वाले रोड में, खलसर से दिशकित वाले रोड में जा रहे हैं, इतना बेकार रोड है कि दिमाग खराब हो गया है, मतलब वी आर डन विद लद्दाख ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब लास्ट टाइम आए थे तो हम लोगों ने ट्रिप एंजॉय किया था, बट इस बार ऐसा हो रहा है कि बस लग रहा है 7-8 दिन काटना है, बस कैसे कैसे काट लो, क्योंकि जहां पर भी अच्छे लोकेशन के लिए आप जा रहे हो उसका जो कनेक्टिविटी है रोड का वो इतना बुरा है कि आप जा ही नहीं सकते हो। तो जब आप दिशकित पहुंचने वाले रहते हैं तो आपको वहां पर दिखती है बुद्ध भगवान जी की प्रतिमा जिसकी हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 108 फीट। दिशकित पहुंचने से काफी पहले ही आपको वो प्रतिमा या स्टैच्यू दिखने लगता है, दिशकित में ही मिल जाती है आपको देखने के लिए दिशकित मॉनेस्ट्री, तो अगर आप दिशकित मॉनेस्ट्री भी देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो दिशकित पार करने के बाद जाकर थोड़ी देर बाद हम लोगों को रोड अच्छा मिला है, अभी फिलहाल अच्छा इन द सेंस की प्लेन रोड है, मतलब वो हिलते डुलते ना दिमाग खराब हो गया है। और अभी एक चीज अच्छा है कि दिशकित के पास भी आपको पेट्रोल पंप मिल गया है, जैसे ही आप मॉनेस्ट्री वाला एरिया से आगे बढ़ेंगे आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। दिशकित से हुंडर 7 किलोमीटर अराउंड है, तो ऐसा ना कि रोड जो अच्छा दिख रहा हो सिर्फ 7 किलोमीटर का, और उसके बाद दिशकित के बाद हुंडर होते हुए निकल जाएंगे टुकटुक विलेज। अब देखते हैं ऐसा ना कि अच्छा रोड सिर्फ हुंडर तक के लिए हो। तो जैसे ही आप दिशकित पार करते हैं थोड़ी देर में आप पहुंच जाते हैं हुंडर, और हुंडर में काफी सारे स्टे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर आप इस जर्नी को करते करते थक जाते हो तो आप हुंडर में स्टे का प्लान कर सकते हो। हुंडर में स्टे ऑप्शंस के साथ साथ काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे कि
कैमल राइड होता है, वहाँ पर लोकल शोज़ होते हैं। एक अच्छी शाम एंजॉय करना चाहते हो तो वहाँ पर सैंड ड्यून्स में बैठ करके वो शाम एंजॉय कर सकते हैं। तो दिशकित पार करने के बाद जो लैंडस्केप होता है वो भी कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। आपको सैंड ड्यून्स दूर दूर में दिखने लगते हैं, इबोट के आस पास भी आपको रेत दिखने लगती है। तो अभी हम लोगों ने हुंडर पार कर लिया है, अब तुरतुक विलेज यहाँ से थोड़ा दूर है, अराउंड 89-90 किलोमीटर है, और बहुत ही अच्छे ग्रीन व्यू के साथ हमारे राइट साइड में शायद श्योक नदी चल रही है और हम भी उसके साथ साथ ही चल रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ से 2 hours लगेंगे हमें तुरतुक पहुँचने में, और तुरतुक विलेज पहुँच के हम आपको दिखाते हैं कि हम लोग क्या क्या एक्सप्लोर वहाँ पर कर सकते हैं। तो दिशकित के बाद से तो रोड अभी तक अच्छा है, अब इसके बाद देखते हैं कि कितना दूर तक रोड ये अच्छा रहता है। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट 80-90% रोड, विच मीन्स 80-90 किलोमीटर्स तक रोड अच्छे होने चाहिए। रिमुरा रोड ही ख़राब रहता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि 90-100 किलोमीटर ख़राब रोड में ड्राइव करने में दिमाग ख़राब हो जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो है वॉशरूम। तो जब आप लेह से तुरतुक की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो लेह से हुंडर तक आपको काफ़ी सारे वॉशरूम वगैरह मिल जाते हैं। बीच बीच में छोटे छोटे विलेजेस हैं जहाँ पर आपको वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल है, बट जैसे आप हुंडर पार करते हैं तो वॉशरूम की फैसिलिटीज़ कम होती जाती है, मतलब काफ़ी कम है। इवन हम लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, हम लोगों ने बीच बीच में विलेजेस में पूछा भी अगर वॉशरूम वगैरह है, तो हमें कहीं भी वॉशरूम नहीं मिला था। हमें जो वॉशरूम मिला वो डायरेक्ट तुरतुक विलेज में ही मिला, तो वो 90 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसमें वॉशरूम की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो बी प्रिपेयर्ड। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं श्योक रिवर व्यू, एंजॉय द व्यू ऑफ श्योक रिवर, बहुत ही सुंदर है यहाँ से। मतलब अगर आपको एक्चुअल ब्यूटी देखना है तो आपको यहाँ आना होगा, इतना सुंदर वैली व्यू है यहाँ से कि पूछो मत, बहुत 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 सुंदर। और गिन्नी फाइनली गाड़ी से उतरी, गाड़ी से ही नहीं उतर पा रही थी वो। मतलब दिशकित से निकलने के बाद अभी तक का जो रोड है वो बहुत अच्छा, हम लोग ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और रिमेनिंग 45-50 किलोमीटर अभी बचा हुआ है, बट रोड काफ़ी अच्छा है। रोड के साथ साथ व्यूज़ बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप लोग मिस मत करना व्यूज़ को, देखते देखते रुकते रुकते ही आना। तो अभी जो आप ये वीडियो में रोड देख रहे हैं, ये रोड आपको तुरतुक रास्ते के लिए कनेक्ट करता है। तुरतुक से कुछ समय पहले ये रोड पड़ता है, और ये जो ब्रिज है ये ब्रिज में रेड फ्लैग भी लगाया हुआ था, शायद मेंटेनेंस चल रहा होगा। वहाँ पर आर्मी मैन भी अवेलेबल थे जो उस ब्रिज को पार करने में लोगों की हेल्प कर रहे थे। और ये जो रोड था ये काफी ज्यादा डेंजरस था, और जो माउंटेन था वो कम्प्लीटली क्लिफ था। जब से हमने अपनी जर्नी शुरू की है अभी तक का ये सबसे ब्यूटीफुल प्लेस मुझे लगा। तो लेह से तुरतुक के बीच में आपको बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस मिलेंगे, काफी सारे विलेजेस में आपको स्टे ऑप्शंस भी मिलेंगे और काफी सारे विलेजेस में कोई स्टे ऑप्शंस भी नहीं है। तो लेह से जैसे ही आप निकलते हैं आपको सबसे पहला विलेज पड़ता है वो होता है खरदुंग। तो खरदुंग विलेज में आपको स्टे ऑप्शंस मिल जाएगा, उससे थोड़ा ही आगे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा खलसर, खलसर में भी आपको स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपको मिलता है दिशकित, दिशकित में आपको स्टे ऑप्शन मिल जाएंगे, हुंडर में आपको स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे। वैरायटी ऑफ स्टे ऑप्शंस आपको दिशकित और हुंडर में मिलेंगे। और जैसे ही आप उससे आगे जाते हैं उसके बाद आपको स्कुरु विलेज करके है, स्कुरु बोलते हैं या कुरु विलेज बोलते हैं, उस जगह पर भी आपको स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा स्टे ऑप्शंस नहीं है बट मल्टीपल स्टे ऑप्शंस वहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद सीधे आपको अच्छा स्टे ऑप्शंस जो आपको मिलेगा ये आपको मिलेगा तुरतुक विलेज में। इन बिटवीन भी छोटे छोटे विलेजेस हैं, उस जगह के स्टे ऑप्शंस के बारे में हमें उतना नॉलेज नहीं है। तो हमारी ये जो जर्नी रहने वाली है ये तुरतुक के आगे जाने वाली है थांग विलेज तक, क्योंकि ये विलेज बहुत ही सुंदर है। एटलीस्ट अपनी नेबर कंट्री को आप यहाँ से देख सकते हैं जो कि पाकिस्तान है। ये ब्लॉग है लेह से तुरतुक के रोड कंडीशन के बारे में, कि रोड कंडीशन कैसा है, स्टे ऑप्शंस कितने मिलेंगे आपको, ये इस बारे में है। तुरतुक और थांग विलेज एक्सप्लोर करना अभी बाकी है। तुरतुक विलेज की खूबसूरती और थांग विलेज की खूबसूरती और स्पेशलिटी आपको हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगी। और हमारे प्रीवियस लेह सीरीज़ के ब्लॉग को देखिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है। तो चलिए अब करते हैं अपने इस लेह तुरतुक रोड कंडीशन वाले ब्लॉग को यहाँ पर एंड, और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। हमारा नेक्स्ट ब्लॉग क्या होगा, कौन सा होगा, ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही पता चलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, एक ही लाइफ है, एक ही बार है। बाय बाय, टेक केयर।